Hey, WhatsApp guys, welcome back to my channel Technical Akbar 07। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Geeknet Pro एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, अब इस एप्लीकेशन को बहुत से लोगों ने डाउनलोड किया लेकिन को यूज करने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं पता। अब कैसे करना है इस एप्लीकेशन को यूज, इसका सही तरीका क्या है और कैसे हमको फायदा होगा या फिर नुकसान, ये सारी बातें मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, प्लीज वीडियो को एंड तक के बने रहना ताकि आप इस एप्लीकेशन को आसानी से यूज भी कर सके। रेटिंग पॉइंट की बात करें तो फोन पे 0 होने के साथ इसको 10,000 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करके आपको सारी चीजें बता देता हूँ। दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, आपको यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में थोड़ी देर इंतजार करना है ताकि एप्लीकेशन अच्छे से स्टार्ट हो जाए। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको डेली के डेली मिल सके। दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बहुत से लोग एक गलती करते थे कि डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूएस माई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे जैसे आप इस पे क्लिक करो तो अलग अलग कंट्रीज देखने के लिए मिलती है। अब किसी एक कंट्रीज को आपको चूज कर लेना है ताकि आप इसको आसानी से यूज भी कर सके। जैसे यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हुई तो मैं डेमो के लिए आपको एक कंट्री पे क्लिक करके बताया, तो जैसे मैंने सिंगापुर पे क्लिक किया। दोस्तों, क्लिक करते जैसे यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट आ जाती है तो उसके लिए भी ओके कर देना है। ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है और एक नोटिफिकेशन हमको साथ साथ ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाती है Geeknet Pro। अब दोस्तों, इसकी खास बात ये कि यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आपको दिया गया है। आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करके भी यहाँ पे देखो दोस्तों, ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग आ गई है। तो कनेक्ट यदि सक्सेसफुल हो जाता है वैसे इस तरीके से नोटिफिकेशन दे देता है और यहाँ पर आप ऊपर की साइड इसको बैक से भी बैक भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्पीड टेस्ट दिया जाता है और चेक नाउ भी दिया जाता है। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर फीडबैक पे क्लिक करके इसकी ओनरशिप आप बात कर सकते हो, उसको फीडबैक देख सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस एप्लीकेशन के बारे में। और यहाँ पर उसका वर्जन दिया हुआ है 1.0.3 और साथ साथ मेल भी दिया हुआ है, आप इससे कांटेक्ट वगैरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है एप्लीकेशन से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिल सके।